हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 फीट बाई 45 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में, जिसको हमने 2BHK विद कार पार्किंग प्लान किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरफ हमारा रोड रहेगा, यहाँ से हमारी एंट्री होती है। ये जो एंट्री है हमारी 9 फीट चौड़ी रहेगी। एंट्री करते ही हमने कार पार्किंग और स्टेयरकेस डिजाइन किया हुआ है। यहाँ से ये हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और स्टेयरकेस के नीचे हमारी कार पार्क हो जाएगी। यहाँ हमने 4 फिट का पैसेज छोड़ा हुआ है और इस पैसेज में ये हमने कॉमन WC प्लान किया हुआ है, जिसका साइज 4 फिट बाई 4 फिट है, जिसका वेंटिलेशन हमने रोड की साइड दे रखा है। और यहाँ फ्रेंड्स, हमने हैंड वॉश के लिए एक वॉश बेसिन लगा रखा है। फ्रेंड्स, आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप यहां से एंट्री करते हैं तो आप सीधा लॉबी में एंट्री करते हैं और दूसरी एंट्री यहां से ड्राइंग रूम में होती है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। ड्राइंग रूम का साइज 9 फिट 10 इंच बाई 11 फिट है, जिसमें ये हमारा सिटिंग एरिया रहेगा, सामने पर हमारा सेंटर टेबल रहेगा और इस वाली वॉल पर हमारा TV यूनिट रहेगा। वेंटिलेशन के लिए पैसेज की साइड हमने विंडो दे रखा है, तो इससे ड्राइंग रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ड्राइंग रूम से आप लॉबी की तरफ जाएंगे तो ये हमने ओपन आर्च दिया हुआ है, इससे आप लॉबी में आ सकते हैं। लॉबी का साइज 9 फिट 10 इंच बाई 11 फिट है, जिसमें ये हमारा 8 सीटर डाइनिंग टेबल रहेगा। इस साइड फ्रेंड हमने किचन डिजाइन किया हुआ है, जिसमें ये हमारा L-शेप प्लेटफॉर्म रहेगा और किचन हमारा ओपन रहेगा, ओपन मॉड्यूलर किचन। किचन का विंडो हमने पार्किंग की साइड दे रखा है और किचन हमारा मेन गेट के सामने भी रहेगा, तो इससे आने जाने वाले लोगों पर प्रॉपर विजिबिलिटी रहेगी। ये हमारा गैस स्टोव रहेगा और ये हमारा सिंक रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा, जिसका साइज 9 फिट 4 इंच बाई 13 फिट है, जिसमें ये हमारा बेड रहेगा, ये हमारा वार्डरोब रहेगा सामान और कपड़े रखने के लिए, और इस वॉल पर हमारा TV यूनिट रहेगा। बेडरूम के जस्ट पीछे हमने 5 फिट चौड़ा ओपन रियर यार्ड छोड़ा हुआ है, इससे इसमें जाने के लिए हमने बेडरूम से गेट दे रखा है। तो यहाँ से आप ओपन रियर यार्ड में जाएंगे और उसके साथ ही हमने बेडरूम के लिए विंडो दे रखा है, तो इससे आप बेडरूम में विंडो AC या फिर कूलर लगा सकते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। पैसेज में एक तरफ हमने WC प्लान किया हुआ है और एक तरफ हमने बाथरूम प्लान किया हुआ है। WC का साइज 3 फिट 6 इंच बाई 5 फिट है और इसका वेंटिलेशन हमने ओपन रियर यार्ड में दे रखा है। और इस साइड हमारा बाथरूम रहेगा 4 फिट बाई 5 फिट का, जिसका वेंटिलेशन भी हमने ओपन रियर यार्ड में दे रखा है। आप फ्रेंड्स यहां से एंट्री करते हैं तो ये हमारा दूसरा बेडरूम रहेगा, जिसका साइज 9 फिट 6 इंच बाई 13 फिट है, जिसमें ये हमारा बेड और ये हमारा वार्डरोब और ये हमारा TV यूनिट रहेगा। इस वाले बेडरूम से भी पीछे जाने के लिए हमने गेट दे रखा है। बेडरूम के लिए आप यहां से विंडो AC या फिर कूलर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 20 फिट बाई 45 फिट यानी 100 वर्ग गज का बहुत ही शानदार नक्शा। आपके लिए नक्शा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर या फिर बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।